अस्सलाम वालेकुम। फूड गर्ल किचन में आज बना रही हूँ मैं नरगिसी कोफ्ते रेशेदार वाली चाउमीन। चलिए देखिए, मैं फर्स्ट लुक और मैं इसी की रेसिपी बताऊंगी आप सबको ये कैसे बनाते हैं। नरगिसी कोफ्तों के लिए आपको चाहिए एग और रेशेदार शामिल। चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ आपको। यहाँ पर लिया हूँ मैंने मटन, जो एक समान पीसेस कट कर लिया है एक साइज में। देखिए इसे 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। प्याज है 2 छोटे डली प्याज, चना दाल जो पानी में भिगो के रखा था मैंने हाफ एन आवर पहले, और थोड़ा सा कर्ड है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला साबित और पिसे हुआ गरम मसाला। नरगिसी कोफ्तों के लिए अपने को चाहिए एग। मैं यहाँ पर 4 एग ली हूँ, इसी से अपन बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। लेमन है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है। एक कुकर ले लिया हूँ, इसी में अपन ये मटन गला लेंगे। चलिए अब अपन मटन कुकर में डाल देंगे, इसमें हरी मिर्चियाँ, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, साबित गरम मसाला और भीगी हुई चना दाल। आधा घंटा पहले भिगो लीजिए पकाने से पहले। नमक अपन बाद में डालेंगे, दही भी बाद में डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करिए आप, ताकि जो अपन इंग्रेडिएंट डाले गोश्त में अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा कोथमीर पुदीना डाली हूँ। अब अपन इसे चूल्हे पर रख देंगे 5 से 7 सीटी के लिए। यहाँ पर मैं जो प्याज थोड़ी बचाई थी वो इसे फ्राई करेंगे। फ्राई प्याज भी डालना चाहिए, इससे क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कच्ची प्याज गोश्त में डाल दीजिए आप, और फ्राई करी हुई प्याज जब पीसने के टाइम पे ऐड करेंगे अपन। पहले पैन में तेल डाल के गर्म होते ही प्याज डाल दी हूँ मैं। चलिए धीमी में बत्ती पे रखे प्याज फ्राई कर ली मैं, और यहाँ पर जब तक गोश्त गले जा रहा है। देखिए प्याज फ्राई हो गई है, और इसी साथ में मैं अंडे भी बॉईल कर ली हूँ एक भगोने में। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, ताकि जो अपन एग का जो कवर निकालते हैं ऊपर से वो अच्छे से निकल जाए, टूट ना जाए अंडे। देखिए गोश्त गलते ही मैंने नमक और दही डाला है, अगर आप पहले ही डाल देंगे तो गोश्त नहीं गलेगा। और नींबू, ये 3 आइटम्स लास्ट में डालिए गोश्त गलने के बाद। इसका पेस्ट बनाने से पहले मिक्स कर लीजिए। चलिए इसे अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा पानी था इसलिए इसे मैं पका रही हूँ। पानी सूख जाने के बाद, ठंडा होने के बाद अपन पीस लेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद मैं जो प्याज फ्राई करी थी वो मिक्स कर ली हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसमें। इसके बाद अपन पीस लेंगे ग्राइंडर में। मैंने ग्राइंडर भी रख लिया है साथ में। नरगिसी कोफ्ते ये मुगलाई डिश है। देखिए अंडों का छिलका निकाल के रेडी करके रखे हूँ, और ये पीस लिया हूँ मैं। बनाने से पहले थोड़ा ऑयल ग्रेस कर लीजिए हाथ पे, अच्छे से फैला लीजिए। उसके बाद वो गोश्त का पेस्ट हाथ पे फैला लेके उसे अंडा रख के राउंड शेप में बनाए, अंडे के शेप में ही बनाएंगे अपन।
थोड़ा फास्ट फास्ट बतला रही हूँ मैं। चलिए देखिए, कहीं से टूटना नहीं चाहिए, तलने के टाइम मुश्किल हो जाती हैं, इसे टूटने मत दीजिए। इसे अच्छे से ऑयल लगा के अंडे के हिस्से में बना लीजिए। नरगिस के कोफ्ते बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि अपन अंडे पे गोश्त लपट के फ्राई करते हैं, इसलिए जब खाने के टाइम पे अंडा और शामी का जो पेस्ट गोश्त बना के अपन फ्राई करें बहुत टेस्ट देता है। चलिए एक पैन ले लिया है, नॉन स्टिक की पैन में फ्राई करिए, और साथ में मैं रेशेदार शामी भी बना ली हूँ गोल गोल राउंड शेप में। चलिए चूल्हा स्टार्ट करती हूँ, इसे धीमी बत्ती पे अपन फ्राई करेंगे। चलिए थोड़ा सा ऑयल डालिए, और जो ब्रश रहता है ऑयल ब्रश, उसी के हेल्प से अपन और तेल डालिए। देखिए ये ऑयल ब्रश जो रहता है उसी से अपन तेल स्प्रेड करेंगे और धीमी बत्ती पे बनाएंगे। पलटाते रहिए, फ्लिप करते रहिए, पूरी साइड पके वैसा। नरगिस से कोफ्ते रेशेदार शामी, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है आज की। आप लोग वॉच करिए और कमेंट में बताइए मैं कैसा पका रही हूँ। देखिए ये है नरगिस के कोफ्ते, देखिए कहीं से भी टूटा नहीं है। और ये है रेशेदार शामी, देखिए माशाल्लाह। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, घर पे आप ख़ुद भी बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए मैंने कैसा कुक कर रही हूँ। और फूड गर्ल चैनल को शेयर करिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, मेरी हर रेसिपी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फूड गर्ल चैनल, बाय, अल्लाह हाफिज़।